हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जब भी हम कभी पूजा करते हैं या फिर क्या बोलते हैं चर्च में, गुरुद्वारा, मंदिर, कहीं भी जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि भगवान के आगे माथा टेकते हैं और कुछ ना कुछ डिमांड रखते हैं। या तो हम बिजनेस टाइप क्या ना कि हे प्रभु, हमारा अगर ये काम निकल जाए, जहाँ हमारे बच्चे हैं वो अगर कहीं सेट हो जाए, या फिर वो अच्छे नंबर में पास हो जाए, तो या फिर अपना हमारा कुछ सेल्फिश जो मोटिव होता है उसके बारे में हम डिमांड करते हैं कि ये हमारा पूरा हो जाए तो हम गॉड हम प्रसाद चढ़ाएंगे या फिर मैं इतना डोनेशन दूंगा। मतलब कि हम जो है बिजनेस की ट्रांजैक्शन के लिए जैसा करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, है ना। तो इसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा प्रॉपर कि कहानी एक्चुअली होती क्या है, कि कैसे हमें जो गॉड के साथ कनेक्ट करना है और जो बेस्ट चीज़ें हम कैसे ले सकते हैं। मैं नहीं ये बोलूँगा, ये गलत बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी में, कुछ ले सकते हैं लेकिन बेस्ट क्या है ये मैं हम मिलके डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो में। एक्चुअली क्या होता है कि जो जब भी हम कभी कुछ चीज़ मुंह से निकलती है, मन से निकलती है ना, उसका हमारे पे हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे भला, क्योंकि जो हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं जो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके साथ हमारी पूरी रेलेवेंट होती है। तो जब हम कोई चीज़ की डिमांड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोलते हैं कि हे प्रभु, बहुत गर्मी हो गई है तो कृपा करके कोई बारिश हो जाए तो बहुत बढ़िया है ना। ये हालांकि बारिश का कुछ अलग कंसेप्ट है, वो कोई गॉड की चीज़ तो है ही नहीं, वो अलग कंसेप्ट है, वो उसके बारे में कभी हम फिर से बात करेंगे। लेकिन इट मीन्स कि हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है कि बारिश नहीं हो रही, गर्मी बहुत है, तो जो बारिश नहीं हो रही वो जो है हम लोग उसकी वाइब्स निकालेंगे। इट मीन्स कि जब हम अगर अपने बच्चों का वेल विश के लिए मांगते हैं कि हे प्रभु, मेरे बच्चों का या तो जॉब लग जाए या फिर बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स आ जाएं, इट मीन्स कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या उसकी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो चांसेस हमारे बच्चे के कम है ऑलरेडी सक्सेस होने के। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ पड़ी हुई है। तो जब हम प्रभु को बोलते हैं या किसी भी भगवान को बोलते हैं, उस पर दिगार अल्लाह में ये को जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हे प्रभु, मेरा बच्चों का देख लेना थोड़ा, है ना, जैसे हम किसी बड़े ऑफिसर को बोलते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस में क्या पड़ा रहता है कि वो यार पता नहीं सेट होगा कि नहीं होगा। तो वो जो नहीं होगा वाली वाइब्स है वो हम लोग यूनिवर्स में फैला देते हैं और उसके साथ रेलेवेंट होकर जो भी चीज़ें होती हैं तो वो हमें नहीं मिल पाती। तो इसलिए हमेशा सबसे बेस्ट स्पिरिचुअलिटी क्या है कि ना तो आप मुंह से कुछ बोल रहे हो और ना ही मन से कुछ बोल रहे हो, ठीक है। तो फिर जो आपके कर्म बनते हैं तो वो फिर अलग लेवल की एक स्पिरिचुअलिटी होती है ना। तो इसलिए यार हमेशा भिखारी भक्ति और एडवाइस वाली भक्ति ना, हम या तो भीख मांगते रहते हैं या तो फिर हम क्या करते हैं एडवाइस देते हैं, हे प्रभु ये जे हो जाए और हे प्रभु ये ना हो, है ना। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, वो ऑलरेडी परवरदिगार अल्लाह मियां रब को सारा पता है। और हमें, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि हमें क्या है ग्रैटिट्यूड की सबसे बेस्ट यही है कि थैंक यू करते रहना हर चीज़ को लेके, यार छोटी छोटी चीज़ों को लेके थैंक यू करते रहना, यही रियल स्पिरिचुअलिटी है। कुछ मांगना यार हमारी औकात ही नहीं है कुछ मांगने की, ना ही हम सही चीज़ मांग सकते हैं कभी प्रभु से, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक कि अगर हमें कुछ मांगना है तो उसके लिए दूसरी भी है, एक अगर आपको एक्चुअल में इस यूनिवर्स में या बोलो कि संसारी चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपने संसार की चीज़ें पहले पूरी लेनी है, उसकी एक अलग साइंस है कि आपको कैसे करना है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो पहले ही फील करनी है, सोने से पहले और उठने के बाद आपको वैसे फील करना है कि अगर आपको जैसा सा इन्वायरमेंट चाहिए वो आपने सोने से पहले वो लाइफ को बिताना है, अपने आप को जीना है उसमें, विजुलाइज बोलते हैं उसको कि आपने आंखें बंद करके वैसे जीना। अगर आपको कोई जॉब चाहिए या फिर आपने स्टडी इतनी करनी है पहले तो आपने विजुलाइज करना है, विजुलाइज करने के साथ साथ एक्शन भी लेना है, ये नहीं कि एक्शन नहीं लेना लेकिन आपने विजुलाइज इतना तरीके से करना है। वो बोलते हैं कि मंत्र जब किसी भी चीज़ को जब आप मंत्र बना लेते हो ना तो हमारी बॉडी की और मतलब कि हमारे खुद की जो हमारा खुद की औकात नहीं है कि हम अपने आप को रोक लें। सेम एग्जांपल ऐसी होती है कि जैसे हम कोई बंदा नशा करता है ना, कोई भी चीज़ आप जो कंटिन्यू करते हो, डेली कंटिन्यू करते रहते हो वो मंत्र का रूप धारण कर लेती है। मंत्र का रूप मतलब रिपीट करके, जैसे कि एक ही जगह पे पानी जब जाता 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 तो नदी का रूप धारण कर लेता, फिर उसको जाना ईजी हो जाता है ना।
इसी तरह से जब हम कोई भी काम कर लेते हैं, चाहे वो नशा हो, चाहे वो आगे बढ़ने का सक्सेस हो, चाहे वो डेली वॉक करना हो, डेली एक्सरसाइज करना हो, जब आप कंटिन्यूटी में करते रहते हो तो वो एक मंत्र की तरह हो जाती है। जब मंत्र की तरह हो जाती है तो फिर वो फिर हम खुद भी उसके आगे नहीं आ सकते, वो काम अपने आप होते रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह जब बोलते हैं कि दुनिया क्या बोलती है कि जो भी आपको ऐसे अगर आपको सही गुरु की पहचान करनी है, उसमें भी आपको जो जो अनजान गुरु होगा ना, वो आपको हमेशा आपकी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए बोल देगा। लेकिन बुरी आदतें आप छोड़ने के लिए जब बोलोगे तो फिर आप क्या उसका मंत्र जब करोगे कि मुझे ये नहीं करना, तो आपकी बॉडी और उसके बारे में सोचेगी और क्रेविंग करेगी, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं वो जैसी है उसको बुराई के बारे में तो सोचना ही नहीं है, आप अच्छाई की तरफ बढ़ो, जो बुराई है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, छूटती चली जाएगी। ठीक है, वो जब आपकी उतनी समझ डेवलप हो जाएगी, अच्छाई का मंत्र जब करना है वो तो अपने आप अच्छाई जो है आपकी बढ़ती जाएगी, जो बुराई है उस पर वो ओवरकम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि मुझे अगर सिगरेट नहीं पीनी, तो आप और मंत्र जाप कर रहे हो कि मुझे सिगरेट के बारे में आप सोच रहे हो कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी, तो आपको और क्या होगा, क्रेविंग होगी अगर आपने सिगरेट के बारे में सोचा, क्योंकि ऑलरेडी पहले आपने इतनी बार स्मोकिंग कर लिया तो आपका मंत्र जब बन गया वो, है ना। तो उसके जो आपका पूरा बॉडी है ना, वो रुआ आपका उपद्रव करेगा उसके बारे में, है ना। तो इसलिए वो नहीं छोड़ना कि मुझे सिगरेट नहीं छोड़नी, पहले मुझे सिगरेट छोड़नी फिर मेरे को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़िए या फिर आप जो भी क्या बोलते हैं अच्छे काम के लिए आगे बढ़िए, तो फिर वो जो सिगरेट वगैरह स्मोकिंग है या कोई भी नशा ले लो जिंदगी का, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप छूटता जाता, आप अच्छाई की तरफ बढ़ते जाओ, बुराइयां अपने आप पीछे गिरती जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैट। थैंक यू सो मच।